आरएसएस और बीजेपी अपनी विचारधारा बचाने के लिए और ये दिखाने के लिए आदिवासी इस समाज का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनको वनवासी कह रहे। आज उनको दोबारा यह आप अलग हो, हमारे साथ में नहीं है, ये दिखाने का जो कर्तव्य हुआ, अगर हम लोग ने इसको सुधारा नहीं, इसमें अगर बदलाव नहीं किया, आज चिंगारी है। ये चिंगारी जब तक है तब तक हम लोग उसको नियंत्रित कर सकते। ये भावना जब तक चिंगारी है तब तक हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ये चिंगारी अगर ज्वाला बन गई तो उसको नियंत्रित करना मुश्किल है। जहां विचारों में अंतर है, सोचने में अंतर है, वहां बराबरी की भाषा नहीं है। ये वनवासी क्यों कह रहे हैं? तो यही दिखाने की ये हमसे बगल में अलग है, छोटे है, और इसलिए हम इनको वनवासी कहते हैं। जानवर जो है उन्हीं तरीके से ये हमसे बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको वनवासी कहते हैं। इसलिए हम इनको वनवासी कह रहे हैं। और यही भावना से ये तुच्छ है। आरएसएस और मोदी ने तय किया कि मुर्मू जी को हम लोग उद्घाटन पे नहीं, लेकिन मैं तमाम जनता से अपील करता हूं 2024 में जो चुनाव होगा एक तय कर लो कि जिस पार्टी ने, जिस आरएसएस की विचारधारा ने आदिवासियों का अपमान किया, आदिवासियों का अपमान नहीं किया, ऐसे द्वेष भरे जिनमें इंसानियत थी, ऐसे राजनीतिक दल आरएसएस और बीजेपी को हम कतई वोट नहीं देंगे। और एक सामान्य विचारधारा या व्यवस्थेला आपण जोपर्यंत ताब्यात घेत नाही तोपर्यंत या व्यवस्थेमध्ये न्याय हे तत्व जे आहे ते आपल्याला घालता येणार, हे तत्वही आपल्याला असताना त्या ठिकाणी अंतर्भूत करावं लागणार। राजाच्या मनुच्या व्यवस्थेमध्ये आहे की ज्याला इंग्रजीमध्ये आपण इन्फिरियर म्हणतो असं त्या मनूने त्या समूहाला मानलेला आहे, त्याला न्याय मिळाला नाही तरी परवा नाही, पण त्याला शिक्षा जरूर मिळाली पाहिजे याची तरतूद त्यांनी त्या ठिकाणी केली।